बीजेपी के जो टोटल कैंडिडेट थे जितने भी इस बार यूपी से कंटेस्ट हुए थे, उसमें जो 47 कैंडिडेट पुराने थे और 33 कैंडिडेट नए। लेकिन जो गरीब हिंदू है, शायद उसको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राम मंदिर से भी ज्यादा बड़ा उसके लिए फैक्टर होता है रोटी कपड़ा और मकान। बैकग्राउंड था, जिन लोगों का खून पसीना उसमें गया, जिन लोगों के घर गए, दुकानें गई, उनको आप अगर पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जन आक्रोश था। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायने में बेहद खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। बहरहाल, आज के शो में हम चुनावी चर्चा जो करने वाले हैं वो है अयोध्या सीट पर। आखिरकार क्या कमी रह गई जो बीजेपी अयोध्या सीट हार गई, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, जो कि जानी मानी लेखक है और प्रोफेसर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गरिमा हमारे शो में। थैंक यू सारिका। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कहना चाहती हूँ, और आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया है। अगर हम पूरे चुनावी नतीजों पे गौर करें तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन था चुनाव में वो अपेक्षा के अनुसार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं रहा। उनकी जो भी अपेक्षा रही उससे, मतलब उनका जो भी प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल भी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा। तो इस को हम अगर डिस्कस करें तो इस पे हमें पृष्ठभूमि पे भी हमें इस पे गौर करना चाहिए क्या पृष्ठभूमि रही है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ेगा। जो बीजेपी ने इस बार नारा दिया वो था इस बार 400 पार, 400 पार। इस बार 400 पार। और इस 400 पार का जो ये नारा था, नो डाउट ये नारा हाई टारगेट सेटिंग था, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है सारिका। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पूर्व में भी जो भी हमारी सरकारें रही हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड आप अगर गौर करें तो जितनी भी राजनीतिक पार्टी रही है वो हमेशा नारा जबरदस्त देती हैं, और इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि आपके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी तौर पे काम करते हैं, जो लोगों से जुड़े होते हैं और कनेक्टेड रहते हैं, उनका मनोबल हाई होता है, उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। जी, लेकिन बीजेपी बीजेपी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रखती है और 1993 से लेकर अभी तक राम के नाम पर राजनीति करती आई है, और इस बार राम को वो ले आए, अयोध्या में ले आए। बीजेपी ने कहा कि हम राम को लाए हैं। ताजुब की बात है कि अयोध्या से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह दो बार से जीत रहे थे, 2014 और 2019, लेकिन ताजुब है कि इस बार हार गए अवधेश प्रताप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। क्या कहना चाहेंगे? सारिका, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि पिछली दो बार से लोकसभा सीट जीतने वाले लल्लू सिंह, 2014 का अगर हम इलेक्शन गौर करें, 2019 की, तो दो बार से जो जीता वो इस बार तीसरी बार कैसे हार गया। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करना चाहूंगी, उस पर आपकी नजर डालना चाहूंगी कि जिस तरह से मोदी जी ने इस बार 400 पार का नारा दिया, ठीक उसी को बहुत ही रणनीतिक तौर पे उनकी पूरी जो चुनावी उद्घोष था उसमें सेंध मारने का काम इंडी गठबंधन के, सपा और कांग्रेस के जो अलायंस था उसमें उनका जो नारा था, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। तो अखिलेश यादव ने, या हम अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो उन्होंने पीडीए फैक्टर जिसको हम कहते हैं,
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसका फैक्टर का इसका कार्ड खेला, और उसी के तहत उन्होंने अवधेश पासी को उतारा चुनावी मैदान में, जो कि पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम अयोध्या सीट की भी बात करें, तो आप गौर से अगर देखें तो अयोध्या सीट जो विधानसभा सीट है वो पांच उसमें पांच लोकसभा विधानसभा सीट, सीट्स आती पांच हैं। विधानसभा एक, सीट। हाँ, एक एक लोकसभा सीट के अंदर में पांच विधानसभा सीट आती हैं। तो वो पांच विधानसभा सीट है हमारी दरियाबाद, रदौली, मलकीपुर, अयोध्या, बीकापुर, और ये पूरी फैजाबाद के अंडर में आती है, 54 फैजाबाद के अंडर में आती है। अयोध्या में ही अवधेश प्रताप जी को कम मिला है, बाकी और हाँ, बस बस, चारों बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा सही बात सीटों पे है। उनका। अवधेश पासी जी को अयोध्या शहर में वोट इतने नहीं मिले हैं जितने फैजाबाद ग्रामीण से उनको बाकी की चार विधानसभा सीट से वोट मिले हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण है जो सपा ने जो नारा दिया था, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी, यानी पीडीए फैक्टर को उन्होंने लाके बिल्कुल सामने रख दिया था, जिससे जिसके कारण मोदी जी के जो ड्रीम कोविटेड प्रोजेक्ट था, 32,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अयोध्या को ग्लोबल हब, ग्लोबल सनातन हब के तौर पे स्टैब्लिश करने के बावजूद, एक टूरिज्म हब के तौर पे स्टैब्लिश करने के बावजूद वो अयोध्या की सीट हारे हैं। दूसरा इसका इसमें सबसे कहीं बड़ा कारण बड़ा कारण, अधिग्रहण तो नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई और उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला गया मिला, इसलिए लोकल लोगों में बहुत नाराजगी थी। बिल्कुल, मैं अभी जो सेकंड पॉइंट, जो मैं सेकंड मुख्य कारण आपको बोलना चाह रही थी, वो यही था कि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी शहर का विकास एक आम जनता का विकास है और वो सामूहिक विकास है, लेकिन उसके विकास को करते समय हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो विस्थापित हो रहे हैं, जो उस विकास से डायरेक्टली इफेक्टेड लोग हैं, लाइक फॉर फॉर एग्जाम्पल कि जिनका लोकल लोग जिनकी हैं, दुकान, जमीन थी जिनकी, दुकानें थी, बिल्कुल, बस जिनके की घर छोड़ थे, गई और जिनको उसके बदले में उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया। प्रॉपर मुआवजा नहीं आपने उस मिला। 22 जनवरी के इवेंट को तो लैविश बनाया, बहुत बड़ा किया, करोड़ों रुपए खर्च किए। पर उसके मैं पीछे का आज जो बैकग्राउंड था, जिन लोगों का खून पसीना उसमें गया, जिन लोगों के घर गए, दुकानें गई, उनको आप अगर पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जन आक्रोश था, वो रोष, वो जो था जनता का, वो निकला। लेकिन जनता, मतलब इतने बड़े रूप में निकलेगा, इसका अंदाजा तो शायद मुझे लगता है जनता को भी नहीं था। जी। और अवधेश प्रताप जी कह रहे थे कि 22 जन, आज मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी अवधेश प्रताप जी का किसी रिनाउंड न्यूज चैनल में, तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का इवेंट उन्होंने इतना बड़ा किया, फ्री में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, एयरप्लेन आ रहा है, इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं और लोकल लोगों का उन्होंने पैसा हड़पा है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा सबसे बड़ी वजह है जो लल्लू सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या बिल्कुल, था वो स्टेटमेंट, की लल्लू सिंह जी ने आग में घी का काम किया, घी का काम वैसे किया और ही, उनका स्टेटमेंट था। हाँ जी, वैसे ही पीडीए फैक्टर जो था, पिछड़ा, दलित, आदि, अल्पसंख्यक पे अखिलेश प्रताप सिंह का जोर, अखिलेश जी का जोर था। और उसके बाद लल्लू सिंह का जो एक स्टेटमेंट था कि अगर 400 पार बीजेपी इस बीजेपी को बार 400 400 पार पार पहुंचती है चाहिए संविधान तो में बदलाव के संविधान लिए, बदल देंगे, ये एक बस झूठी यहीं अफवाह पे। थी। जी हाँ जी, वो ये एक झूठी अफवाह थी। इस झूठी अफवाह को लल्लू सिंह के बयान ने और हवा दे दी, और बीजेपी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व इसको काउंटर जो है काउंटर एक्ट करने में, काउंटर कामयाब नहीं अटैक, हुआ, कामयाब नहीं हुआ। यस, कामयाब नहीं सोशल रहा। बिल्कुल, ऑपोजिशन ने, इंडी गठबंधन ने, एसपी ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा और जिस पकड़ा, खूब तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया भुनाया, खूब ग्राफ भुनाया, किया। बिल्कुल, मुद्दे को खूब भुनाया, उसको हवा दी, और उसमें यह भी बयान जोड़ा गया कि देखिए, इन्हीं के पार्टी के जो लल्लू सिंह, जो 2 बार लोकसभा से चुने गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अगर 400 पार हुआ तो हम संविधान बदल देंगे। इससे क्या हुआ, इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुए। इससे जो हमारा पिछड़ा वर्ग था वो डर गया कि कहीं ऐसा ना हो आरक्षण खत्म हो जाए,
और अल्पसंख्यक तो वैसे भी बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, तो वो और भी दूर हट गया कि कहीं ऐसा ना हो वाकई संविधान बदल जाए और जो ये लोग कह रहे हैं इनका जो डर है वो कहीं ऐसा ना हो कि सच साबित हो। तीसरा जो मुझे एक दूसरा जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कारण लगता है सारिका, बीजेपी के हारने का, जैसे कि हम बार बार इस बारे में अभी बात कर रहे हैं कि लल्लू सिंह 2 बार विधानसभा, सॉरी 2 बार लोकसभा सीट से 2024 बैक टू बैक 14 एंड 19। जीते, तीसरी बार भी मोदी जी ने उनको मौका दिया, नीतीश नेतृत्व ने उनको मौका दिया। तो इसमें हम एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी के जो टोटल कैंडिडेट थे, जितने भी इस बार यूपी से कंटेस्ट हुए थे, उसमें जो 47 कैंडिडेट पुराने थे और 33 कैंडिडेट नए, उन 33 कैंडिडेट में सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे थे नए वालों में जो इलेक्शन हारे, और 47 कैंडिडेट में 9 कैंडिडेट ऐसे थे जो इलेक्शन जीते। तो ये बहुत एक मुख्य कारण था, पुराने कैंडिडेट्स के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था जनता का वो बिल्कुल प्रचंड तौर पे इस इलेक्शन के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से खुलकर सामने आ गया। कैंडिडेट ने जमीनी तौर पे काम नहीं किया, जनता से कनेक्ट नहीं हुए, नहीं किया ये और उनसे उनकी समस्याओं को नहीं देखा, चाहे वो ये समस्याएं इसकी विस्थापितों की ही क्यों ना हो, चाहे वो समस्या ये बहुत बड़ी की समस्या है ही लेकिन, क्यों ना हो। क्योंकि बिल्कुल जनवरी में ही राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर रामलला लाए गए और उसकी तैयारी कुछ दिन पहले से चल रही थी और आपने उनका मुआवजा टाइम से नहीं दिया तो नाराजगी थी। आज जब मैं अवधेश प्रताप जी का इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत गाली दी जा रही है। तो जब वो इलेक्ट हुए, वो जीते, तो उन्हें कौन सा वर्ग है जो गालियां दे रहा है या भरा भुला कह रहा है? एक सनातनी हिंदू है जो कि बीजेपी खुद मान के चलती है और बीजेपी खुद कहती है वो एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, लेकिन जो गरीब हिंदू है, शायद उसको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राम मंदिर से भी ज्यादा बड़ा उसके लिए फैक्टर होता है रोटी कपड़ा और मकान। इस चीज को, इस नब्ज को पकड़ने में बीजेपी कहीं ना कहीं, लोकल कैंडिडेट उनके कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए, और इस नब्ज को पकड़ने में सपा शायद कामयाब हुई। और उन सपा को जो गाली दे रहे हैं, जो अवधेश पासी को जो गाली दे रहे हैं, वो वही सनातनी हिंदू हैं जिन्होंने शायद कहीं बीजेपी के बहुमत आने पे यूसीसी, एनआरसी और जो है इस तरह की चीजों का सपना देखा था, जो कि अब मतलब मुझे डाउट है कि शायद ये उस उतना वो पूरा हो भी पाए कि नहीं हो पाए। तो गाली देने वालों में तो मुझे लगता है वही होंगे लोकतंत्र जिन्होंने, का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो जीत कर बिल्कुल आए हैं तो वहां की जनता ने बिल्कुल ही बिल्कुल उनको जिताया है। गरिमा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम इस तरह की जानकारी लेने के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सारिका, थैंक यू।